जय श्री कृष्णा। राधे राधे बोलिए और मन के द्वार खोलिए। जी हाँ, आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस लेकर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बार पुनः मैं आपको वही बात दोहराना चाहूँगा जो हर बार दोहराता हूँ। क्या? बिल्कुल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गेट मोर वीडियोज़ फ्री फॉर कंपटीशन एंड स्कूल एग्जाम्स, एंड ऑल्सो इट्स यूजफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़रूर से एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आइए चलें हम आज के टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले इसकी हिंदी में पहचान। हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और आप अगर दो अन्य जो हमारे पुराने टेंस थे, यानी पुराने का अर्थ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो उन्हीं के जैसा आपको लगेगा। उनमें रहा था, रही थी, और रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। तो आप सही समझे कि यह भी उन्हीं के जैसा है। अब बारी है हमारी एडवर्ब्स पहचानने की। तो आइए अब जानते हैं एडवर्ब्स। सबसे पहले एडवर्ब हमारे सामने दिखाई दे रही है, एट दिस टाइम टुमारो। सेकंड, एट द मोमेंट टुमारो। थर्ड, एट दिस मोमेंट टुमारो। फोर्थ, टुमारो मॉर्निंग। और ऐसी बहुत सारी एडवर्ब्स जो हमारे फ्यूचर टेंस को डिनोट करती हैं, वो सब इसमें आएंगी। अब आप यह कह सकते हैं कि ये जो एडवर्ब्स है वो तो लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसी ही है। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा, ये एडवर्ब्स उसकी जैसी ही हैं, लेकिन इसमें टुमारो आकर इसने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिनोट कर दिया है। अब बारी है रूल फर्स्ट समझने की। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है? रूल फर्स्ट हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस को दर्शाने के लिए होता है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यही उपयोग आपको यह समझाएंगे कि इन टेंस का उपयोग हम कहाँ करें। तो इसको मैं आपको और उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, यानी ये फ्यूचर में किसी कार्य को जारी रखने के बारे में बता रहे हैं। अब इंग्लिश में बताता हूँ इसके एग्जांपल्स, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो पहला एग्जांपल है, दे विल बी रनिंग टुमारो मॉर्निंग, यानी वे कल सुबह दौड़ रहे होंगे। और दूसरा है, ही विल बी ड्रिंकिंग। दूसरा उदाहरण क्या बता रहा है हमें? वह पी रहा होगा। तो यानी ये जो हमारे सामने एग्जांपल्स है, हमें ये बताते हैं कि ये सब कुछ जो एक्शंस हो रहे हैं वो हमारे सामने फ्यूचर टेंस में होंगे, यानी अभी तक हो नहीं रहे होंगे। लेकिन अब बारी है रूल टू की। और रूल टू क्या कहता है? यह बताता है कि इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर के प्लांड एक्शंस या सुनिश्चित कार्य दर्शाने के लिए होता है। इसका मतलब आप समझे? जी हाँ बिल्कुल, आप समझ गए। तो मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि यह हमें सुनियोजित कार्य दिखाता है। अब इसके एग्जांपल्स के द्वारा और आप समझेंगे। कृष्णा विल बी किलिंग सिनर्स इन एवरी एज, यानी यह सुनियोजित कार्यक्रम है। दूसरा, पीएम विल बी एड्रेसिंग द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे, यह भी सुनियोजित कार्य है जो अभी नहीं हुआ है, नहीं चल रहा है, लेकिन भविष्य में ज़रूर होगा। तो आप समझ गए रूल टू को। अब बारी है सेंटेंसेस बनाने की। अब बारी है सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर को समझने की। और सबसे पहली स्ट्रक्चर हमारे सामने है अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। हाँ बिल्कुल, आप यही कहेंगे कि यह तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे या पास्ट कंटिन्यूस जैसे ही दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, वैसी ही है, कोई अंतर नहीं है सिवाय इसके कि इसके हेल्पिंग वर्ब बदल गई है।
अब बारी है सेंटेंसेस बनाकर देखने की। तो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैं कल इस समय फिल्म देखता रहूँगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। तो वैसे ही मैंने भी आपको बताया है, आई शैल बी वॉचिंग ए मूवी एट दिस टाइम टुमारो। अब इसके अलावा भी अगर हम सेंटेंस बनाकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो सेंटेंस पैटर्न है वो याद होने के बाद हम कितने ही सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस, वे पतंगे उड़ा रहे होंगे, तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसा हमने पहला वाला सेंटेंस बनाया है, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, दे विल बी फ्लाइंग काइट्स। दूसरा सेंटेंस है हमारे सामने, राम सो रहा होगा, तो ये भी कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के अनुसार। तो क्या बना? राम विल बी स्लीपिंग। इस तरीके से आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जब आप सेंटेंस पैटर्न को याद कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपको यह पता चलेगा कि जो सेंटेंस बनाने हैं वो बहुत आसान है। अब बारी है हमारे नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखने की। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, वही पैटर्न्स हैं, वही तरीका है जो हम पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जी हाँ बिल्कुल, वो पैटर्न्स याद करने हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। तो नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आता है। नॉट कहाँ पर आता है? थर्ड प्लेस पर। और हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है वैसे का वैसा ही रहता है, तो इसमें भी वैसे ही मैंने किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर विल शैल आ गया, फिर नॉट थर्ड प्लेस पे आ गया, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो और हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, वह कक्षा में बातें नहीं कर रहा होगा, तो इसे कैसे बनाएंगे? पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, He will not be talking in the class. जी हाँ, हमने सेंटेंस पैटर्न को ध्यान में रख के बताया है। तो सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब बारी है दूसरे सेंटेंस की, वे गाय को नहीं दूह रहे होंगे। दूहना मतलब दूध निकालना। तो सेंटेंस पैटर्न को हमें ध्यान में रखते हुए, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, दे विल नॉट बी मिल्किंग ए काउ। सीता नहीं रो रही होगी, तो इसको भी वैसे ही, सीता विल नॉट बी वीपिंग। तो आपने ये देखा कि जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो बहुत आसान हैं, आप कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं इससे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। तो अब बारी है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखने की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला पैटर्न हम सीख रहे हैं स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आपको पता ही है कि जो सेंटेंस पैटर्न है हमारा पहले के जैसे ही है, यानी इसमें और जो हमने अब तक सीखे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। अब बारी आती है हमारे सेंटेंसेस सीखने की, और पहला सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, क्या कृष्ण माखन खा रहे होंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई हमारे सामने, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो विल कृष्णा बी ईटिंग बटर? अब दूसरा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, क्या तुम कक्षा में उबासी ले रहे होंगे? तो विल यू बी yawning इन द क्लास? आपने देखा, बहुत ही आसानी से आपने ये सेंटेंस बना लिए हैं। अब बारी है हमारे नेक्स्ट पैटर्न सीखने की। अब बारी है स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स को सीखने की। तो सेंटेंस पैटर्न है हमारे सामने, यानी कौन सा वाला? जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो, तो हमें क्या करना होगा? केवल WH वर्ड्स आगे लगाने हैं,
पहले वाले पैटर्न के, तो डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसके साथ हमें यह पैटर्न समझ में आ गया, क्योंकि हमें केवल डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाने हैं हमारे स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाले पैटर्न के, और बन गया स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स। अब सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, वे लॉकडाउन में भी स्कूल क्यों जा रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो कैसे बना, वाई विल दे बी गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग लॉकडाउन। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह समझा इस सेंटेंस को। अब हम और भी जो सेंटेंस है इससे बना कर देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब दूसरे सेंटेंस है, केवल क्या कर रहा होगा, तो वॉट विल बी केवल डूइंग। केवल का मतलब यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, आप और कुछ नहीं समझ लेना। तो वॉट विल बी केवल डूइंग। फिर दूसरा सेंटेंस है, शेर जंगल में कब सो रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम तरीका, वैन विल बी ए लॉयन स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। अब हम नेक्स्ट पैटर्न्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पैटर्न या नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी है कौन सी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को समझने से पहले आप नेगेटिव को अच्छी तरह से याद करके रिमाइंड करें दिमाग में, उसी को हम थोड़ा सा फेर बदल करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, आपने सही पहचाना, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से याद कर पा रहे हैं। जी हाँ, हमने सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखा है, और नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लिया है। इसी तरीके से हमारे पैटर्न्स चले आ रहे हैं, क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हमारे सामने अब एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, क्या मैं स्कूल नहीं आता रहूँगा, तो शैल आई नॉट बी कमिंग टू स्कूल, क्या वे नहीं हंस रहे होंगे, विल दे नॉट बी लाफिंग। जी हाँ, इसी प्रकार से आप और सेंटेंसेस बनाकर देखिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आपने इसमें केवल थोड़ा सा फेरबदल किया है और नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लिया है। अब हम इसको और ज़्यादा विश्लेषण करके देखें तो और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। अब स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स को समझते हैं। तो स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स में क्या होगा, केवल और केवल हमारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं वो आगे लग जाएंगे, हमारे जो पहले की स्ट्रक्चर है उसी के साथ आगे लगा कर डब्ल्यू एच वर्ड्स को, और स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच वर्ड्स वाली स्ट्रक्चर बना लेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आप अपने अंतिम स्ट्रक्चर की ओर हैं और सेंटेंसेस बनाकर देखिए तो और ज़्यादा समझ में आ रहा है। दिनेश क्यों नहीं सो रहा होगा, तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई विल, फिर दिनेश, फिर नॉट बी स्लीपिंग। दूसरा सेंटेंस बनाकर देखें, हम स्कूल कब नहीं जा रहे होंगे, तो व्हेन शैल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बारी है आपसे विदा लेने की। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें,
क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वैसे वैसे मुझे आनंद आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट ऑल्सो।